पार्वती तब क्रोधित हो गई।
नहीं सकता, चैन ना इसमें लेने पाए के कचरावण को उकसाई। शिव को लाओ लंका उठाए, पार्वती ने श्राप दिया है, बचने का नहीं दूजा उपाय, जा बेटा कैलाशी को लाओ। कुल में बच ना पाए, सच कहती हूँ तुमसे बेटा, के कसी रावण को समझाए, तुमको शिव है बहुत मानते, शिव को दो प्रसन्न कराए, किसी तरह से जा कर लाओ। बैठी हूँ मैं आस लगाए, चूक हो गई मुझसे भारी, तेरे पिता को दी उपसार,
दल बल सहित पठाय यज्ञशाला रणभूमि बन गई।
के सब खोलिया उठा माया में बस भूत शिव ने।
से जल भर लाए, सावन माह में देव घर आकर शिव जी को जल दिया चढ़ाए, समुद्र मंथन सावन मासे। सुनो हुआ था ध्यान लगाए, समुद्र मंथन सावन मासे। कुछ भी समझ न पाए, मस्तक फटा पड़ा था शिव का, देख के भक्त गया घबराए, डर के मारे थर थर कांपे। कुछ भी उसको समझ न आए, प्रकट हुए कैलाश के वासी। वासुक से बोले मुस्काए, मांग लो बर जो चाहो बेटा, जो भी तेरे मन में
छू तो उसका देते कष्ट मिटाए भगवा वस्त्र को धारण करके भक्तों शिव को पूजन जाए बोल बम उच्चारण करके नंगे पांव कवरिया जाए इस मंत्र के उच्चारण से।
जीवन को लिए सफल बना करुणा के अवतार है बाबा। यथा शीघ्र प्रसन्न हो जा आज के भी ने अंत समय में। है दिया करवा उसी लिंग को पूज कवरिया।
लिए फिर पीछा हार जा पहुंची शिव जी के पास में।
तुझे समझ न आया, तूने बड़ा अनर्थ किया है। अपने ही घर के अंदर हाय पुत्री का अपमान किया है। साथ में शिव को भी छोड़ा ना, शिव शक्ति दोनों को तूने बुरा भला है दिया। सुना रे पापी तू बच नहीं सकता।
दृष्टि लागे महाप्रलय हो जाए, देवता गण चिर सागर पहुंचे। सब पे दिया चला एकावन टुकड़ों में कट कर, दिल गिरा हरित कवन में आ, ध्यान भंग हुआ शिव शंभू का। सारे देवता गए हर सा वहीं पे सती का श्राद्ध क्रियाक्रम। दिया लिंग बेजू को थमा, बेजू कोई और
एक जैसा रही दिखाए, पुण्य क्षेत्र में पाप करे जो उसका नहीं बचने का उपाय। हरिद्वार गए राजा रावण, अपना कावर लिया सजा, नंगे पांव कवरिया बनकर देवघर में दिए जल को चढ़ाए। राम से चार भैया आए, सीता जी भी संग में आए, जिसको शिव शंभू लिए मोह से लगा, इसकी गर्मी शांत करन को सावन में जल सभी चढ़ा, सावन में सभी जल को चढ़ाते शिव शंभू का ध्यान लगा, पार्वती शिव का गठबंधन। करके मुनिवर बतलाए क्यों होता है ये गठबंधन, इसका रहस्य हमें समझा। सूत जी तब सोनक से बोले, बात को सुनिए ध्यान लगाए, फागुन कृष्ण चतुर्दश तिथि को महाशिवरात्रि पड़ता है, इसी दिन हुई सती की शादी। सती को शिव जी लिए अपना, चित
ही सण उत्पात मचा तीनों लोक को हिला दिया तो देवगढ़ छिर सागर को जहाँ पे सोए पड़े थे विष्णु धनुष की डोरी पे सिर को टिकाए आने पड़ी है मुसीबत भारी नहीं बचने का कोई उपाय किए स्तुति लक्ष्मी जी की विष्णु जी को आप जगाए कैसे जगाऊं मैं श्री हरि को को
खुशी की कोई सीमा ना, विष्णु संग सभी देवता मिलकर। से हो जी त्राही माम चिल्ला
जहाज समुद्र में जा उजल गई दुनिया जेलर की। पुत्र वेदना सही न जाए अंदर अंदर टूट गया वो। मन की बेचैनी बढ़ती जा जेल में हिंदू हवलदार था। जिसका नाम केदार कहा पास में वो पहुंचा जेलर के। किया निवेदन शीश झुका मेरी बात को गर मानो तो। सरल में भोलेनाथ के जा वेदनाथ है दया के सागर। हर आदि ना खाली जा सुनते सबकी ही फरियाद वो सुनते जात पात ना देखे हाय। डूबते को तिन का है सहारा। गई जेलर के मन में समा चर्च छोड़ मंदिर में पहुंचा। तो कुछ समझ नया कैसे करूं मैं आपकी पूजा। योग विधि नहीं जानू पाए सच्ची आस्था और भक्ति से। सरल में शीश को दिया झुकाए आधी रात को सपना देखा। I'm
के अंदर गए समाए, 14 वर्ष किए हैं तपस्या। तब शिव जी का दर्शन पाए, पूरा भारत भ्रमण करो तुम। शिव जी ए आदेश सुनाए, पैदल तीर्थों का भ्रमण किए वे। पुसे
मन को सखियों के संग मंदिर जाए, वर के रूप में निस दिन मांगे महादेव मेरे हो जाए। तप का आसन लगा के बैठी बोल रही है नमः शिवाय, शिव समाधि में उमा है तप में, तारे का सुर दिया उधम मचाए, ब्रह्मा जी से सुनिए
समाधि से दिए हिला, ध्यान भंग हुआ शिव शंभू का, क्रोध से बदन गया थर्रा, चारों तरफ नजर दौड़ाए, काम प्रदृष्टि पड़ी है जाए, क्रोधित शिव शंभू को देख कर। तीनों लोक को दिया हिला, देख तप
पुत्र से मारा जाए, पापी से छुटकारा मिलेगा। परीक्षा कोई सफल ना हो कर आए सत्य ऋषि
मन विस्मय हो जाए। शादी हो गई शिव शंभू की, दोनों गए कैलाश पे आए, कार्तिक जन्म लिए गंगा से, कार्तिक के गया नाम रखा, तारिक असुर से छुप गए देवता, शंकर जी के पास में आए, शिव कुमार कार्तिक को लेकर अपनी सेना शुरू हो गया है, तारिका ने दिया शस्त्र
की शोभा न बरनी जाए, उत्तर वाहिनी गंगा मैया पल में पाप को देती मिटाए, आज देवी का पूजन करके गए गंगा के तट पे आए, गंगा तट पे सुंदरी बैठी सुंदर गए गंगा में समा, लगा लहरों के बीच खेलने तट पर से सुंदरी चिल्लाए, मत स्वामी आगे जाओ। गई सुइया पर आए, सुइया पर...
के हाथ में दिए थमाए, माथा फटा पड़ा था उनका। माथा फटा पड़ा था उनका, सुंदरी को कुछ समझ न आए, पकड़ी बाबा के पैरों को, आंखों में जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम्। टमट् 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 टमन्निना टमट् टमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्।
जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष घोरिणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फड़ा मणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तिरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विवर्तु भूत भर्तरी लोचन प्रभृत्य शेखलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूचरांगि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्वलधनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचशायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलद्धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचशायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचात्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीति नीतमः प्रबंध बंध कंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु वृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा बलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम स्मरक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं मखक्षितं गजक्षितांध कक्षितं तमंत कक्षितं भजे अथर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांध कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमत् भुजंगय स्फुरत् धगत् धगत् द्विनिर्गमत् कराल भाल हव्यपाट् धिमित् 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्ति तत् प्रचंड तांडव शिवः सत्य चित्र तल्पयोर्भुजंग मोक्ति कस्त्र जोर्गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद्धि पक्ष पक्षयो त्रिलारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवं भजाम्यहम् हर 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 महादेव हर 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 महादेव
दीप निर्झरे निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचने ललाम भाल लग्न कः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। रे पुरोषु भक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम्। पिता को दी उपसहाय इसी महल को मांग लो स्वामी।
नष्ट हो जा, तूने मेरे महल को छीना। चैन ना इसमें लेने पाए, मेरा कलेजा धड़ 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 के। बेटा कुछ तो करो पास, शुक्राचार्य गुरु का बुलवाओ। प्रणाम माता, तुम्हारे माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों भरी हैं? आखिर समस्या का क्या कारण है माता, मुझे बताओ। तीनों लोक में ऐसा कोई भी सूरमा नहीं जो मुझसे टकरा सके। रावण हूँ मैं रावण, तुझे बताना होगा तेरे उदास होने का आखिर क्या कारण है माँ। बेटा, शिव जी ने अति सुंदर स्वर्ण महल लंका के गृह प्रवेश की पूजन के लिए जब तेरे पिता को बुलाया, तो मेरा मन लंका को देखने के बाद वही ललचा गया। तो मैंने तेरे पिता से जिद करके दक्षिणा में उसी लंका को मांग लिया। लेकिन आप बेटा, अरे तो उसमें चिंता का विषय क्या है माते? किंतु बेटा, लंका दक्षिणा में मिलते ही पार्वती ने तेरे पिता को श्राप दे डाला कि तू कुल सहित नष्ट हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बेटा बेटा कुछ करो बेटा, शायद गुरु शुक्राचार्य के पास इसका कोई हल हो। बेटा कुछ करो, नहीं तो ये कुल नष्ट हो जाएगा, ये कुल नष्ट हो जाएगा। बेटा कुछ करो। श्राप विफल हो जा, रावण बुलाया शुक्राचार्य को। राक्षस का जो गुरु कहा, गुरु शुक्राचार्य है बोले। दस कंदर क्यों गए घबरा, दस कंदर ने मां की बातें शुक्राचार्य को दिया बता। शुक्राचार्य रावण से बोले, बेटा सुन लो ध्यान लगा,
गया है नंदिया। रे मूरख ये क्या करते हो, शिव शंभु को रहो जगाल, पार्वती संग ध्यान मग्न है, उनकी समाधि न भंग हो जाए। मुझको ये आदेश दिए है नंदी, मुझे न कोई जगाए, मेरे रहते शिव की समाधि कोई नहीं सकता तोड़वाए, अभी लौट जा वो लंका को। रावण, अभी भोलेनाथ ध्यान मग्न है और मुझे आदेश है कि उनकी ध्यान समाधि को उनकी आज्ञा के बगैर कोई भंग नहीं कर सकता। मैं कहता हूं रावण जाओ, अभी लंका लौट जाओ, जाओ रावण। रे मूर्ख नंदी, क्या तेरी मति बौरा गई है जो मुझसे टकराने चला है? अरे रावण हूं मैं, रावण चल हट। क्या गई बोरा नंदी, कान खोल के सुन ले, देगा अपने प्राण गमा, तीनों लोक में कोई न ऐसा जो दस कंधर से टकरा। कह के भिड़ गया है नंदी से, माया जाल दिया फैला, लगा है अपना बदन बढ़ाने, फिर भी नंदी न डरने पाए, क्रोध में उसने दस कंधर। दसकंधर, ये क्या कर दिया आपने? अरे भला कोई
ध्यान मग्न शिव को ऐसे जगाता है? ये तो तनिक कठिन कार्य हो गया। खैर अब हो गया तो भोगो, अरे अपनी करनी का फल भोगो। चिल्लाओ और चिल्लाओ, नारायण नारायण नारायण। अरे ये क्या, इस पर्वत का वजन क्यों बढ़ रहा है? अरे नारद, मैं यहाँ दर्द से दबा जा रहा हूँ और आप चैन से वीणा बजा रहे हैं। अरे नारद, कुछ तो करिए, इसका कोई उपाय तो बताइए नारद। अरे तो है सार में नया दबी है मेरी दोनों भुजाएं। तू मस्ती में बीड़ा बजा, आशा है दर्द है मेरी भुजा में। यथा शीघ्र कोई करो उपाय, नारद जी रावण से बोले। रावण शिव शिव रह चिल्ला, हे शिव शंभू मुझे बचावो। मेरी भुजाएं दो छुड़वा, असह दर्द हो रहा है मुझको। ये बर्दाश्त न होने पाए, रावण का चित्कार सुने है। उसकी सीमा ना, क्रोध के मारे थर थर कांपे। आसन तप का दिया लगा, शुरू किया है भीषण तपस्या। जपने लगा ओम नमः शिवाय, गर्मी में अग्नि बिच रहता। जाड़े में बर्फ में आसन लगा, खुले में रहता खुले में बैठे। बारिश से तन भींगता जा, उग्र तपस्या शुरू कर दिया। फिर भी शिव ना प्रकट हो पाए, लाख प्रयत्न किया रावण ने। कोशिश विफल हो जहां, प्रकट न हो पाए कैलासी। क्रोध में रावण रह चिल्ला, यथा शीघ्र तू प्रकट हो शंभू। बात को सुन ले ध्यान लगा, यथा शीघ्र नहीं प्रकट हुए तो भीषण दूंगा तबाही मचा तेरे इस पावन कैलाश में। खून की नदियां दूंगा बहा, कोई भी नहीं बच। भोलेनाथ प्रकट हो, प्रकट हो भोलेनाथ, प्रकट हो, अति शीघ्र प्रकट हो भोलेनाथ, रावण तुम्हें पुकार रहा है। शंभु, अब अगर आपने शीघ्र दर्शन नहीं दिए तो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। प्रभु भोलेनाथ, अब मेरे क्रोध से कोई भी नहीं बच पाएगा। Thank you.
धर ने लिया हाथ में खड़ग उठाए पकड़ पकड़ जीवों को मारे रक्ष उखाड़ के उन पे चला फिर भी न प्रकट हुए कैलासी रावण गया क्रोध में आए पास में पहुंचा हवन कुंड के दिया अग्नि को प्रकट करा लक्ष्य करके शिव जी को बोला पली चढ़ाए अपना शीश तुझे भेंट करूंगा दूंगा खून की नदी बहाए उठा दसानन है आसन से हाथ लिया तलवार उठाए खींच के गर्दन पे मारा है। अरे प्रकट क्यों नहीं होते भोलेनाथ, आज इतना विलंब क्यों हो रहा है? प्रभु पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज क्यों? अब अगर तुम प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा दूंगा भोलेनाथ, और अपने शीशों के खून से तुम्हारे इस कैलाश को खून से रंग दूंगा भोलेनाथ। ये लो, 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 ये लो। खींच के गर्दन पे मारा है धड़ से गर्दन दिया उड़ाए पहले शीश को काट के रावण शंभू के चरण पे दिया गिरा दूसरा शीश भी काट दिया है दूसरे पांव पे दिया चढ़ा फिर भी प्रकट नहीं हुए शंभू भीषण गर्जना दिया लगा एक एक करनो शीश को काटा दिया खून की नदी बहा रंग दिया कैलाश लहू से दसवे की गई बारी आए आज मिटा दूंगा मैं खुद को। कोई दूजा ना जो जी चाहे मांग लो मुझसे शिव शंभू बोले मुस्काए कैलाश छोड़ लंका को चलिए रावण बोला शीश झुकाए बारह ज्योतिर्लिंग है मेरे। बस रावण मैं तुमसे प्रसन्न हूं और आज तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि इस धरा पर तुम्हारे जैसा मेरा दूसरा भक्त कोई नहीं है। मांग लो रावण, जो तुम्हारी इच्छा है मांग लो। भगवान प्रार्थना बस इतनी है कि आप इन वीरान बियाबान जंगलों को छोड़कर लंका चलिए। भगवान सोने की लंका मेरे शंभू की प्रतीक्षा में है, शीघ्र कीजिए प्रभु लंका चलिए। ठीक है रावण, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें से तुम एक ज्योतिर्लिंग को उठा लो
लेकिन ध्यान रहे बीच में कहीं इसे नीचे धरा पर मत रखना। इसे तुम जहां रखोगे यह वहीं स्थिर हो जाएगा, इसलिए इसे सीधे लंका में लेकर जाना। जाओ रावण। हवन दूंगी रुकवाए अपने तन को हवन कुंड में, यथा शीघ्र में दूंगी जलाए अपमानित हो जी नहीं सकती, दूंगी मैं अपने प्राण गमाए कूद पड़ी है हवन कुंड में। हे भगवान, अपने स्वामी के विषय में इतना अपमान देख मैं कैसे जीवित हूँ। शिव निंदा के शब्दों को सुनकर मेरे कान और मेरा संपूर्ण शरीर अपवित्र हो गया है। अब भला इस शरीर को लेकर मैं अपने स्वामी के पास कैसे जा सकती हूँ? आज मैं इस अपमान का प्रतिशोध इसी समय लूंगी, नष्ट कर दूंगी इस देह को जो शिव निंदा के शब्दों को सुनकर अपवित्र हो गई है। मैं अभी इसी क्षण इस अपवित्र देह को इस अग्नि में समाहित करती हूँ। ये लो।
तन को लिया जलाए, सती के तन को जलते देखे। शिव पार्षद गए क्रोध में, युद्ध शुरू हुआ यज्ञशालाओं में। दक्षिण सेना लिया सजाए, शिव शंभु को सारी घटना। नंदी ने आकर दिया बता, सती मरण की बात सुने। क्रोध की उनकी सीमा ना, वीरभद्र और महाकाली को। संग में देना जला वीरभद्र और महाकाली ने। दिया भीषण उत्पात मचा, मची तबाही यज्ञशाला में। दक्ष की सेना भागे परा, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा। सबको लिया उठाए, करने लगे तब तांडव शिव जी। पल में लागे प्रलय हो जा, तीनों लोक में मची तबाही। रह भी सड़कितकार सुना, इंद्र के संग में सभी देवता। विष्णु जी के पास में आ, विष्णु जी ने चक्र उठा के सती के सब पे दिए चला। खून दिया खोला, कस के मुख
अपना चोर रहा अजमा लाख किया कोशिश रावण ने, लेकिन लिंग न हिलने पाए पंडित राजन मजबूरी में दिया लिंग अंगूठे से दबा क्रोध तो लंके सह कर जाओ। पतालपुरी पहुंचा प्रकट हुए कैलाश के वासी। अरे भोलेनाथ, ये कैसी विडंबना रच दी आपने। अरे भोले, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। भोले रावण हूँ मैं, रावण। अगर तुम मेरे साथ लंका नहीं चल सकते तो मैं तुम्हें अभी पाताल पहुंचा देता हूँ। ये लो। दसकंधर, तुम्हारी यह हट मिथ्या है। तुम इस लिंग की यहीं पूजा करो। इस पर कांवर का जल डालने से तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और मेरे नाम से पहले इस धाम में तुम्हारा नाम होगा। आज से इस ज्योतिर्लिंग को पूरे संसार में रावणेश्वर बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बैजनाथ धाम? बैजू नाम के चरवाहे ने इस लिंग को यहीं पर स्थापित किया था, अर्थात उसका नाम भी इस धाम से जुड़ा है। हाँ रावण, अब विलंब ना करो, लंका जाओ। हमने लंका तुम्हारे पिता को दान में दी थी, इसलिए हम लंका नहीं जा सकते, क्योंकि दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। इसलिए व्यर्थ का हट छोड़ो और लंका जाओ। स्वर्ण लंका तुम्हारी प्रतीक्षा में है रावण, जाओ लंका जाओ। तथास्तु। नाथ गया कहां से आए बैजू नाम के चरवाहे ने। बैजू नाम के चरवाहे ने यही ते लिंग को दिया गिराए, उसका भी नाम जुड़ा है संग में। तनिक ना अब तू देर लगा, लौट जाओ तुम लंका रावण। लंका नहीं जा सकता, हाथ दिया दान वापस नहीं लेता। चाहे करे तू कोई उपाय, बैजू गया सुल्तान गंज को, रावण हर द्वार को आ विधिवत लिंग का पूजन करके। सीता
कावर का चढ़ा इंद्र के संग में सभी देवता, सुल्तानगंज से जल भर लाए सभी देवता गंगा जल से, दिए हैं शंभू को नहला स्थापित हुए श्रवण मास में। गर्मी सही न जाए उनकी गर्मी शांत करन को, सावन में जल सभी चढ़ाए महाशिवरात्रि को ब्रह्मा विष्णु, देवता गण दरबार में आए शिव और पार्वती का गठबंधन, देवताओं ने दिया कराए आज भी ये गठबंधन होता, महाशिवरात्रि को देखा जाए जो भी जो जो भी जो तेरे लिंग को पूजे उसके मन।